एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आपके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो क्या किस तरीके से सब्सक्राइब बढ़ाए जा सकते हैं? ठीक है, YouTube चैनल पर आपके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, 1K 2K, ये किस तरीके से बढ़ेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट होता ये बेल आइकन का, ये भी आपको हम बताएंगे। और आपको क्या गलती नहीं करनी है जिससे कि आपकी जो सब्सक्राइबर हों वो डेड या कम होने लगें, तो उससे भी आपको बचना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बेल आइकन का बता दें, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं सामने वाले को, तो आप ये रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा कि बेल आइकन को खोले। इससे क्या होता है कि जब कोई सब्सक्राइबर आपके बेल आइकन को खोल लेता है, वीडियो नोटिफिकेशन पहुँचता है उसका, तो वो देखता है, जिससे यूट्यूब को ये लगता है आपका वीडियो अच्छा है, लोगों के पास और भेजेगा। ये भी एक फंडा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आप देख लेते तो आपको जो 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी इस वीडियो से। आपको जो हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जो आप गलती करते हो वो गलती आपको नहीं करनी, और आपको पता नहीं होता आप क्या गलती कर रहे हो, उस चीज़ को भी हम क्लियर कर देंगे। तो ये आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। नंबर एक, सबसे पहले आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग ऐसी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखिए, टैग वीडियो बनाते हैं तो आप देखिए इस तरीके का HD फुल थंबनेल बनाओ, और थोड़ा क्लिक बेट, देखिए इस तरीके का, इसे बोलते हैं क्लिक बेट, लोग बाग क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। यहाँ देखिए, भाड़ में जाए, इस तरीके का टाइटल लिखना होता है, जिससे क्या होता है कि सामने वालों की लगे कि बस एक बार क्लिक कर ले। तो आपको ध्यान रखिए, आप अपने अपने चैनल के सब्सक्राइबर को इंक्रीज करना है तो सबसे ज़रूरी है आपका, आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, आप देख लीजिए इस तरीके का आपका थंबनेल होना चाहिए, यानी क्लिक बेट आपका थंबनेल होना चाहिए, तो ही आप समझ लो आप सक्सेस हैं यूट्यूब पे, वरना नहीं है। सबसे ज़रूरी यही है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो थंबनेल है वो अच्छा क्वालिटीदार होना चाहिए, सामने वाले को ये लगे कि थंबनेल एकदम नया बना, और वो एक नौसिखिया नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए। और आप थंबनेल बना, और एक चीज़ और बता दें, आगे आपको बताएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 टिप्स देंगे, ये पूरे 1 साल में जो हमने सीखा है वो हम आपको बता रहे हैं, और जो हमने गलती की है आपको क्या गलती नहीं करनी वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 की, वीडियो क्वालिटी। आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं कोई पीछे बैकग्राउंड में, मतलब नॉइस भी रिमूव नहीं किया, कोई और बोल रहा आप भी समझा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कैमरे की तरीके से वीडियो रिकॉर्ड, मतलब कैमरा जो होता है, उस तरीके के ऐप आते हैं, एक तो ओपन कैमरा होता है उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें आपको 2 लोग चाहिए तो ही वीडियो रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये जो हमने आज ही वीडियो बनाया, ये वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, जिस वीडियो से हम कैमरा स्विच करते थे, अब मेरे ये एक वीडियो आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया गया। वैसे फेस स्कैम हम वीडियो बनाते हैं, उसी कैमरा 4K में वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो आप कोशिश करिए, आप फेस स्कैम वीडियो बनाते हैं तो आप वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग बाग सब्सक्राइब क्यों करें, सबसे ज़रूरी होता है सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो ये देखता है कि आपकी वीडियो में क्या क्वालिटी है। वीडियो में क्वालिटी अच्छी है नहीं तो वो क्यों देखेगा आपका वीडियो। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाइएगा। ये 2 हो गया। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, देखिए आप बात कर लेते हैं कि वीडियो कितने मिनट का होना चाहिए आपका, क्योंकि ये देखिए ये सब्सक्राइबर, अब ये कैसी बात है यार, ये सब्सक्राइबर बता रहे क्या बता रहे भाई, इससे भी मैटर करता है कि आपका 3 मिनट का वीडियो है, ठीक, उसमें से आपका वॉच टाइम आया है सिर्फ 1 मिनट, तो यूट्यूब लोगों के पास नहीं भेजेगा। कम से कम आपका 12 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट, इस तरीके का होना चाहिए। 12 मिनट का है वो 4 मिनट वीडियो देखेगा, इसका मतलब क्या है कि यूट्यूब आपके 4 मिनट मिले, वही आप जब 3 मिनट का बनाओगे तो वो 1 मिनट देखेगा, जब आप 3 मिनट का बनाओगे वो 1 मिनट देखेगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने वीडियो क्वालिटी, और देखते रहिए कि आपकी वीडियो कौन से व्यू किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कितने मिनट का वीडियो है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट शुरू में कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कितने मिनट का होना चाहिए, तो कम से कम 10 से 12 मिनट का होना चाहिए जब आपकी शुरुआत है। सबसे पहले आपको पता होगा थंबनेल, ठीक है, दूसरी बात आपकी वीडियो क्वालिटी, तीसरी आपका जो वीडियो का टाइमिंग है वो कितना होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आप क्या गलती करोगे वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से वीडियो आपके, ये मतलब ये कहने का मतलब है कि आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा कौन सा वीडियो चला है। ठीक है, जैसे मेरा ये देखिए 48K तक गया है, ये मेरा 53K तक गया है, और ये 33K तक गया। तो आप ये देखिए कि ये वीडियो जो सबसे पहले मेरा ये वीडियो था तो ये बहुत अच्छा चला, तो मैंने इसके ऊपर 30 वीडियो बनाए। तो यही आपको समझाना चाहते हैं, जो भी आपका वीडियो अच्छा चल रहा है तो उस तरीके का आपको और वीडियो बनाना है, क्योंकि ऑडियंस को ये पता लगता है कि इस तरीके के वीडियो
जब आपके देखे जा रहे हैं तो आपको इस तरीके की वीडियो, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके की वीडियो जरूर बनाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप जैसे आपने 30 वीडियो डाल दिए, 30 वीडियो में आपके 10 वीडियो चलना स्टार्ट हुए, कितने 10। अब 10 में से आपको वही 10 जो चल रहे हैं उसी तरीके का अब आपको और वीडियो बनाना है, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा इस तरीके के वीडियो बनाना। जब हमने इसके 30 वीडियो बनाए, सारे वीडियो बहुत ही बढ़िया चले थे और हमें सब्सक्राइबर भी बहुत ही जल्दी मिले थे। ये आपको लग रहा है ये सब्सक्राइबर और इससे तो कोई मैटर, भाई यही एक कॉन्सेप्ट है। आप क्या करते हो कि ये इस ऐप से उस ऐप से, तो ये गलती कर लेते हो, फिर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो आप प्लीज़, आप ये रिक्वेस्ट है कि आप ये गलती ना करें, अभी हम आपको आगे बताएंगे। अब नंबर 4 मतलब 5 की बात कर लेते हैं, SEO करना आना चाहिए। मतलब ये है कि हमने आपको शुरू में बताया कि आपको थंबनेल लगाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और हम आपको बता देते हैं क्या क्या आपको कर आना चाहिए। उसके बाद टैग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वीडियो में टैग। जैसे आप वीडियो लिखा आप बनाते हैं, जैसे एजुकेशनल वीडियो कोई भी बनाते हैं, तो टैग लगाए जाते हैं। अब टैग, अब जब आपके टैग रैंक नहीं करेंगे तो वीडियो रैंक नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप, जैसे आपने कोई टैग यहाँ तक लगाया तो यूट्यूब देख लेता है ये टैग काम कर रहा, तो एक नंबर दे देगा। फिर आपने दूसरा टैग लगाया वो 4 नंबर दे देगा। तो ये जब तक नहीं आ रहा तो आपको ऐसे टैग लगाने जो आपके रैंक कर रहे हो। और ये रैंक कैसे करते हैं, ये ट्यूबडी एक ऐप आता है, ठीक है, उसका आप यूज कीजिए। वहां से आपको पता लग जाता है कि आपका वीडियो कौन सा रैंक कर रहा है, टैग कौन सा रैंक कर रहा है। और डिस्क्रिप्शन बहुत सहूर से लिखे, क्योंकि इन फ्यूचर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के मतलब आ जाता है, क्योंकि डाटा मेटा आपने ज़्यादा कर दिया, इसलिए दिक्कत आती है, ठीक है। ये 5 हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं, आपको ऐप से सब्सक्राइबर नहीं लेने, ये आप ध्यान रखिएगा कि हमने पहले ही बोल दिया कि आपको ऐसे कोई एक ऐप दे लें कि एक ये ऐप है, इसमें आप अपने लिंक डालिए और अपने सब्सक्राइबर कर लीजिए। वरना यूट्यूब तो क्या है, आपको सब्सक्राइबर तो दे देगा वीडियो, मतलब जो आपका ऐप है वो सब्सक्राइबर दे देगा, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेटिक आपके सब्सक्राइबर को कम कर देगा। तो उसी से आपको बचना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी ऐप से नहीं लेना है या लिंक शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और अपने जो भी आप वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर एक सर्च होता है और आप वहां पर सर्च करके किसी भी मोबाइल पर देख लीजिएगा, ये इससे भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए इसका रीजन ये है, सीधे समझो कि जब सामने वाला आपकी वीडियो को कोई देखेगा, देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे आपने वीडियो ये बनाया, ये आपका वीडियो, ठीक है, इस वीडियो पर बहुत टाइम बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये बहुत टाइम बहुत अच्छा आया, तो यूट्यूब को क्या लगेगा कि इस वीडियो में क्वालिटी है, तभी यूट्यूब दूसरों के पास भेजेगा। तो जब दूसरों के पास भेजे जाएगा तो वो नए होंगे तो वो भी देखेंगे, तो आपके वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वही चीज़ जब आपने ये वीडियो बनाया और आपके वीडियो नए हैं और आपके 1 2 3 4 5 ऐसे आपके व्यू आए हैं और कोई देख नहीं रहा और आपने एक्सटर्नल सोर्स से बढ़ाया, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को नहीं भेजेगा। तो यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आपको करना क्या है, जब भी आप नया वीडियो बनाते हैं आप कोशिश करिए कि आप दूसरों के फ़ोन से सर्च करके देखना। जब सर्च करके ज़्यादा हो जाएगा तो यूट्यूब को ये लगेगा बॉस टाइम बहुत ज़्यादा मिले तो ही प्रॉफिट होता, तो आप तभी तो बोले आपको 10 से 12 मिनट का बनाना। जब ज़्यादा मतलब लोग देखेंगे तो यूट्यूब को लगेगा बहुत ही अच्छा वीडियो है, लोग बाग देख रहे हैं, तो और वो यूट्यूब लोगों के पास भेजेगा। इस तरीके से चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक जो हमने आपको बताया। इस तरीके से जेन्युइन सब्सक्राइबर लिए जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा आपको गलती क्या नहीं करनी है कि आपको ऐप द्वारा सब्सक्राइबर नहीं लेने, आपने लिए तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आएंगी।